हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं ऑल हिंदी में हेल्प यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आपको पता होगा यूट्यूब मोनेटाइजेशन का न्यू रूल जो है कि आ गया। अगर आपको पता नहीं है कैसे मोनेटाइजेशन होता है, नया रूल क्या है, तो इस वीडियो को देखिए। और बहुत सारे ऐसे यूजर हैं कि बोल रहे हैं कि मोनेटाइजेशन, यूट्यूब मोनेटाइजेशन फरवरी में बंद हो जाएंगे, तो सर क्या है इसके बारे में डिटेल में हमको बताइए। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप जानना चाहते हैं कौन से चैनल बंद हो जाएंगे, मोनेटाइजेशन बंद हो जाएगा अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं यूट्यूब की, तो इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए, मेरा एक YouTube चैनल है ऑनलाइन हिंदी में हेल्प, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे इसके साथ लेकर चल रहा हूँ कि कौन कौन से चैनल बंद हो जाएंगे और क्या कमी होगी, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आपका एक YouTube चैनल है और इस तरह का आपके ईमेल पे मैसेज आ रहा है YouTube की तरफ से, यहाँ पे देखिए व्हाट इज चेंजिंग लिखा होगा और बताया जा रहा होगा कि YouTube में क्या क्या चेंज हुए हैं, और ये सभी को मेल नहीं जाएंगे जिनके चैनल पे सब्सक्राइबर और या फिर मोनेटाइजेशन ऑन हो गए हैं और कुछ कमी होगी, या फिर सब्सक्राइबर कम होंगे, या फिर वॉच टाइम कम होगा, 4000 से हावर्स वॉच टाइम कम होंगे या फिर सब्सक्राइबर कम होंगे, तो आपको एक नोटिस दिया जा रहा है कि आपको 1 मंथ के लिए यानी कि 30 डे के लिए आपको ये नोटिस दिया जा रहा है कि 30 दिन आपको समय है, आप सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जो है कि जो रूल है उसको फॉलो कीजिए तो आपका इनेबल हो जाएगा, मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा। वरना अगर नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर तो आपका जो है कि डिसेबल कर दिया जाएगा, और ये कुछ सबके लिए नहीं है। फ्रेंड दोस्तों, ये ईमेल उसके लिए है जिनके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और 4000 वॉच टाइम नहीं है, तो आपको 30 दिन के लिए समय दिया जा रहा है। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है कि मोनेटाइजेशन बंद नहीं होगा, कभी फरवरी या फिर मार्च जो भी आए आपका बंद नहीं होगा। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं रूल तो आपका बंद हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए, मेरा एक न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे देखिए इसमें सब्सक्राइबर भी हैं और यहाँ पे व्यू भी आ गए हैं, और मैं आपको बता दूँ कि वॉच टाइम अगर कितना है, अगर 4000 से अधिक होगा तो ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एनालिटिक्स पे क्लिक करके वॉच टाइम देख लेते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो 2000 से अधिक हैं और वॉच टाइम अधिक होगा तो ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल था। पहले क्या था कि 10000 व्यू चाहिए थे तब इनेबल था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 90 डे का वॉच टाइम मैं आपको दिखा दिया हूँ, तो ये एलिजिबल है। अगर आप मोनेटाइजेशन पे जाएंगे, यहाँ पे चैनल पे क्लिक कीजिए, मोनेटाइजेशन पे जाएंगे तो आप यहाँ से मोनेटाइजेशन ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एलिजिबल दिखा रहा है और इसको ऑन कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है, ट्रिक कोई नहीं है, बस आपको फॉलो करना है। तो फरवरी में वही चैनल बंद होंगे जो जिनके चैनल पे वॉच टाइम नहीं होंगे 4000 से अधिक, या फिर सब्सक्राइबर 1000 से अधिक नहीं होंगे, वही चैनल बंद होंगे अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको 30 दिन के लिए आपको समय यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आपको 30 दिन के अंदर आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे। बाकी अगर किसी को ये मेल नहीं जाता है तो उनके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।